उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय मुंबई दौरे पर आए हुए हैं। अगले महीने यूपी की राजधानी लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले वे महाराष्ट्र के उद्योगपतियों और फिल्म फ्रेटर्निटी के लोगों से मिलकर निवेश की संभावना पर विचार कर रहे हैं। यहां राजभवन जाकर के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले। उनके साथ मीटिंग में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक और एक्टर और गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी थे। इसके अलावा उन्होंने सुपरस्टार अक्षय कुमार से भी होटल ताज में मुलाकात की। अक्षय कुमार से सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग के विकास को लेकर के चर्चा की। राजभवन में राज्यपाल कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति भी भेंट की। इससे पहले उन्होंने एक कार्यक्रम में उत्तर भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि एक दौर था जब उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी, उनकी हंसी उड़ाई जाती थी, लेकिन अब अपनी पहचान छुपानी नहीं पड़ती है, बल्कि लोग गर्व से बताते हैं कि वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था नीतिगत सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि एक वो भी दौर था जब हर 3-4 दिन में कोई न कोई दंगा हुआ करता था, अब ये भी दौर है कि पिछले 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये बात कोई नई नहीं है और ना ही ढकी छुपी है। योगी आदित्यनाथ नोएडा में मुंबई की फिल्म सिटी की तर्ज पर एक बड़ा फिल्म उद्योग खड़ा करना चाह रहे हैं। वे पहले भी इसके लिए पहल कर चुके हैं। बुधवार को भी उन्होंने अक्षय कुमार से मुलाकात कर इस बारे में चर्चा की। वे मुंबई में चुनिंदा उद्योगपतियों से मिलकर अगले महीने लखनऊ में होने जा रहे इन्वेस्टर्स ग्लोबल समिट के लिए माहौल बना रहे हैं। वे उद्योगपतियों को समझाना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर के हर वो माहौल है जो बिजनेस को फलने फूलने के लिए मददगार है, यानी अब यूपी में पहले वाला हाल नहीं है। अब देखना यह कि उनकी बातों पर भरोसा करते मुंबई से कितने उद्योगपति यूपी में निवेश करने को तैयार होते हैं। योगी के मुंबई दौरे इन्वेस्टमेंट के लिए की जाने वाली कोशिशों को लेकर के एनसीपी विधायक जितेंद्र नम्हान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ आए जाएं, लोगों से मिले जुले, पर यह फैक्ट है कि गोरखपुर को भी मुंबई बनने में 1000 साल लगेंगे। ये मराठी मानुष की मुंबई है, यहाँ जो माहौल है वो कहीं और नहीं है, मुंबई मुंबई है। हालांकि इस दरमियान महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सांसद हुसैन दलवाई ने एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सलाह देते हुए कहा है कि भगवा कपड़े डालकर घूमने की बजाय जरा मॉडर्न हो जाए। उन्होंने ये बात आज मीडिया से बात करते हुए कही। आगे कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि महाराष्ट्र ने उद्योगों के लिए अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाई, इसलिए महाराष्ट्र से उद्योग ले जाने की बजाय अपने राज्य में नए उद्योगों का निर्माण करें और उन्हें पनपने देने के लिए माहौल बनाएं। रोज धर्म कर्म की बातें करने की बजाय, भगवा कपड़ा पहनने के बजाय जरा मॉडर्न हो जाए, उद्योग आधुनिकता देकर आते हैं, उन आधुनिक विचारों को आत्मसात करें। मीडिया से बातचीत में उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट और जोगेंद्र कवाड़े की रिपब्लिक पार्टी के साथ संभावित गठबंधन, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और प्रकाश आम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ संभावित गठबंधन को लेकर के भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि प्रकाश आम्बेडकर को महाविकास अघाड़ी के साथ में लिए जाने पर कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है। जोगेंद्र कवाड़े और एकनाथ शिंदे भी साथ आए, अलग अलग जाति धर्म के लोग साथ में आए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती, लेकिन उनके इकट्ठा होने पर गंभीरता कितनी है ये देखना होगा, भविष्य इसी पर निर्भर भी करता है। हुसैन दलवाई ने कहा, कांग्रेस के तो अध्यक्ष ही दलित समाज के हैं, इसलिए हमें किसी का डर नहीं है, हमें किसका वोट किधर शिफ्ट होगा इन बातों का कोई डर नहीं है। डर तो इस बात का है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिव्य संविधान की जो अवहेलना की जा रही उसका है। एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत इन चुनौतियों को सख्ती से निपटने की जरूरत है। कुल मिलाकर के ये है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर के सियासी घमासान शुरू हो गया। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए कितने उद्योगपतियों को भरोसे में ले पाते हैं और उद्योगपति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कितना भरोसा करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।